A very happy morning all of you dear students. So students, we have studied A to Aha, Swar, याद है सबको? Remember? Yes. A से लेके Aha तक we have studied, right? तो उसमें do you remember? Ru आ रहा था, Ru, ऋषि नो Ru, याद है? हाँ, तो उसकी भी मात्रा होती है, right? Okay? So today what we will be studying? हाँ, हम रू मात्रा वाला शब्दों आज हम सीखेंगे, right? कौन से होते हैं और वो रू मात्रा कैसे और कहाँ लगाते हैं, that we will be studying, right? So are you ready? Yes? Okay. So let us start. So you can open this page number. Yes, it is on page number 29. Okay. So dear students, open your textbook, Firefly textbook. उसमें page number 29 open करिए, right? And be ready with your pencil also. Okay. So let us see what is there in this chapter. Ru matra vada shabd, right? So dear students, here you can see three pictures are given, right? तीन picture दिए हुए हैं. Okay, so first one is, yes, picture of a deer is given, D-E-E-R, है ना, जिसको गुजराती में हरण भी बोलेंगे, right? तो लेकिन हरण और दूसरा इसका word है मृग. क्या बोलेंगे? मृग. तो आपको सुनाई दे रहा है ना, रू की मात्रा मृग, right? तो म के नीचे हम लगाएंगे रू की मात्रा. तो here you can see this is the मात्रा ऑफ रू, राइट? तो लेट अस सी हाउ वी कैन राइट इट. यस, तो मृग, ये जो मृग है यहाँ पे देखो, म के नीचे रू की मात्रा हमने लगाई, राइट? र नहीं लिखा, रू की मात्रा, तो मृग. अब इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे देखो, म प्लस रू की मात्रा, राइट? प्लस ग, ये हो गया मृग. सेकेंड इज वृक्ष, मीन्स पिक्चर ऑफ ए ट्री इज गिवन, अ ह्यूज ट्री, राइट? बड़ा सा पेड़ है, तो उसको वृक्ष गुजराती में बोलेंगे. तो व के नीचे रू की मात्रा सुनाई दे रही है ना, वृक्ष, राइट? सो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे, यू कैन सी, व लिखेंगे हम, फिर रू की मात्रा प्लस, सॉरी, व लिख के हम प्लस लिखेंगे, प्लस रू की मात्रा प्लस हो गया वृक्ष. ओके, नाउ ये है पिक्चर ऑफ ए किंग इज गिवन, है ना? तो नृप, तो यहाँ पे इसको भी हम स्प्लिट करेंगे, न प्लस रू की मात्रा प्लस प, कंप्लीट. ओके, राइट? अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी, सम वर्ड्स आर गिवन हियर बिलो, उसके नीचे कुछ रू मात्रा वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, राइट? तो वॉट यू हैव टू डू, दीज, ये जो सारे वर्ड्स है ना, तो दीज वर्ड्स यू हैव टू राइट इन गुजराती फेयर नोटबुक, और हेडिंग में क्या डालोगे, रू मात्रा वाला शब्दों, राइट? ठीक है, तो ये शब्द आपको नोटबुक में गुजराती के लिखना है. तो फर्स्ट वन क्या है? यस, फर्स्ट वन है कृपा. क्या है? कृपा, मतलब क के नीचे रू की मात्रा, तो हो गया क्रू, कृपा, राइट? नंबर टू में है तृप्ति, त के नीचे रू की मात्रा आई तो त्रू हो गया तृप्ति, राइट? तृप्ति. देन थ्री नंबर में है गृहिणी. क्या है? गृहिणी, तो ग के नीचे रू की मात्रा आया, ठीक है? यहाँ पे यू कैन सी कि र नहीं लिखा हुआ है, र रत्नो नहीं, बट यहाँ पे रू की मात्रा यूज हुई है, राइट? नंबर फोर में है आकृति. क्या है? आकृति. क्या है? आकृ, तो क के नीचे रू की मात्रा, यहाँ पे यू कैन सी, राइट? आकृति. नाउ नंबर फाइव ऋषि. क्या है ये? ऋषि, तो रू, उसमें रू अलग से हम नहीं लगाएंगे, उसमें पूरा रू हम यहाँ पे लिख देंगे, रू ऋषि नो रू, हो गया. नाउ सिक्स नंबर में यू कैन सी इट इज रिटर्न अमृत. क्या है? अमृत. ओके, तो अ म लिख के रू की मात्रा अमृत. सेवन नंबर घृणा. क्या है ये?
घृणा मीन्स किसी से हम जैसे नफरत करते हैं ना, तो घृणा गुजराती बोले। तो घ के नीचे रू की मात्रा। नंबर 8 में है तृतीय। तृतीय मीन्स थर्ड नंबर, जिसको हम बोलते हैं ना तृतीय, उसको बोलेंगे। तो त के नीचे रू की मात्रा आई तो तृतीय, राइट। तो दिस 8 वर्ड्स आर रू मात्रा वर्ड्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू राइट इन योर गुजराती फेयर नोटबुक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, उसके नीचे यू कैन सी सम सेंटेंसेस आर गिवन। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू कॉपी डाउन इन योर इन दिस टेक्स्ट बुक विथ नीट एंड गुड एंड गुड राइटिंग, राइट। फर्स्ट वन यू कैन सी, इट इज ऋषि तप करे छे, ऋषि तप करे छे, राइट। सेकेंड इज तृप्ति शाळा जाय छे, तृप्ति इज गोइंग टू स्कूल। थर्ड नंबर वृक्ष ऊपर फल छे, ट्री पे फ्रूट्स हैं, लाइक दैट। तो वृक्ष ऊपर फल छे, तो यहाँ पे रू की मात्रा वृक्ष में। गृहिणी रसोई करे छे, है ना। गृहिणी मीन्स हाउसवाइफ, जो खाना बनाती है, ओके। गृहिणी रसोई करे छे। तो दीज सेंटेंसेस यू हैव टू कॉपी डाउन इन गुड हैंड राइटिंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, दिस पेज नंबर 29 इज कंप्लीटेड, ओके। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन योर टेक्स्ट बुक, राइट। एंड दीज वर्ड्स, रू मात्रा वाले वर्ड्स, दैट ऑल्सो यू हैव टू राइट इन फेयर नोटबुक, राइट। राइट इन फेयर नोटबुक, राइट, ये वाले वर्ड्स, ओके। एंड दिस वन एंड दिस वन, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन द टेक्स्ट बुक, ओके। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल एंड कंप्लीट योर वर्क। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।